हमारी मर्यादा है, हमारा एक चरित्र है, विचार है, धारणा है।
विशिष्टता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई फोटोग्राफर ऐसा नहीं करे। उनकी भावनाओं को मैं ध्यान रखूंगा। और आज आप लोगों ने, यहाँ के आयोजकों ने और समस्त उपस्थित शिष्यों ने पुष्पारों के माध्यम से जिस प्रकार से अपनी माता जी का स्वागत किया, ये वास्तव में ही एक आह्लाद का विषय है कि खाली गुरुदेव से आपको प्यार नहीं है, उनके साथ जो सहचरी है, साथ में गमन करने वाली है, क्योंकि पत्नी के जीवन में चार रूप होते हैं, पत्नी, सलाहकार, मित्र और सहचरी। इसलिए पत्नी को मां भी कहा गया है। एक क्षण ऐसा आता है जब पत्नी भाव मिट जाता है और मां का रूप बन जाती है, और पत्नी को चाहिए कि वह सलाह देती रहे, पत्नी को चाहिए कि वह साथ में चले और सहचरी बने। इसलिए आपने जो उनका स्वागत किया, वह एक प्रकार से मेरा आप सबका स्वागत था। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और कहूंगा या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जहां मार्कंडेय ने ये पंक्ति बोली है, वहां यह भी बोला है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गा के, जगदम्बा के, मां के कई रूप हैं। नमंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो तथा ज्ञानम ज्ञान तदपि च न जाने स्तुति कथा। मैं ज्ञान जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, केवल एक बात जानता हूँ कि मैं गुरुदेव में माँ का रूप देख रहा हूँ और उनमें पिता का रूप भी देख रहा हूँ। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह तमेव बंधुश्च सखा तमेव। और ये पंक्तियां मेरे द्वारा लिखी हुई नहीं है, यह तो कई वर्षों से एक श्रुत है। और इसका भाव यह है कि आप हमारे जीवन में जो हम उपस्थित हैं और हमें साधनाओं का ज्ञान नहीं भी है, तो आप जिस प्रकार से भी सुबह के प्रवचन में कहा था कि कई जन्मों से आप और मेरा साथ रहा है और इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि 70 लाख की आबादी में से आप ही क्यों बैठे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बैठे यहां करके, इसलिए उनका मेरा कोई संबंध नहीं था। दूर दूर से आप आकर के और विपत्ति, तकलीफ, तनाव झेल करके भी जिस प्रकार से आत्मा में और मेरे हृदय पर अपना नाम अंकित करते हैं, तो कई युगों तक मिटेगा नहीं, अगले जीवन में भी नहीं मिटेगा। मैं आपके साथ हूं। और हम अलग होना भी नहीं चाहते, क्योंकि एक अत्यंत उच्च कोटि का योगी शंकराचार्य जो अकेला पूरे आर्यावर्त को अपने पैरों से रौंदा चला, बुद्धत्व को समाप्त किया, सनातन धर्म को स्थापित किया और जिसने अत्यंत दारुण व्यथा झेली, ऐसी कि केरल प्रदेश में रहने वाला एक छोटा सा बालक, और जब 12 साल का था तो उसकी मां का देहांत हो गया, और उसमें जाति प्रथा इतनी सख्त थी, सुदृढ़ थी कि तुम सन्यासी हो गए और तुम्हारी मां को जलाने के लिए भी नहीं चलेंगे। और उस 12 साल के लड़के ने मां को अपने कंधे पर
मृत मां को अपने कंधे पर डाल करके शमशान में गया और अपने हाथ से कहा संस्कार किया। सोचिए उसमें कितनी व्यथा झेली होगी। और उसके बाद भी जब अपने गुरु के पास गोविंद पादाचार्य के पास जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि आप मेरे साथ रहें फिर मैं सब कुछ कर लूंगा, मगर आप मेरे पीछे खड़े रहें। और गोविंद पादाचार्य ने कहा कि सदा पूर्वे पूर्वा सद तु मदनय वा प्रतिमितम गुरु दिव्याम सेव्य मधु वचन तय वाम प्रतदृषि। मैं शंकराचार्य को पहली बार नहीं जान रहा हूं, इससे पहले और उससे पहले भी मैं आपके तुम्हारे जीवन को जानता हूं। आवश्यकता यह है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूं, यह भी है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं, यह भी है कि मैं माया का आवरण आप पे डालूंगा डालता हूं, मगर तुम में निर्भीकता और साहस दृढ़ता और व्याग्रवत तेजी आनी चाहिए कि उस माया के जाल को छिन्न भिन्न करके और मेरे होठों पर अपना नाम लिख सको, मेरे हृदय में अपना नाम लिख सको, मेरे हृदय में स्थापित हो सको और मुझे पूर्ण रूप से हृदय में स्थापित कर सको, तभी तुम्हारी विजय होगी, तभी तुम्हारी सफलता होगी। और गोविंद पादाचार्य के शब्दों में मैं आपको भी यही आपकी रात्रि को आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप मेरे हृदय में स्थापित हों और मुझे पूर्णता के साथ अपने हृदय में स्थापित कर दें, तब आंख में आंसू रहेंगे, एक झरने की तरह आंसू बहेंगे, आंखों की कोर भीगी हुई होगी, नाक उचित गला गदगद हो जाएगा और आंसुओं से अपने गुरु के चरण प्रक्षालन करेंगे, तब सही शिष्यता है, तब सही श्रेष्ठता है, तब सही दिव्यता है। और ऐसा ही भाव आपके हृदय में आवे, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। कल्याण ये जीवन तो एक बहुत क्षण भंगुर है, इतने बड़े काल चक्र में 50-60-70 साल की बहुत बड़ी आयु नहीं है। और ऐसे भी सन्यासी योगी हैं जो 3,000-4,000-5,000 साल के भी हैं, मगर संसार में बहुत लंबी उम्र प्राप्त करना दुखदायी है। 100 साल की 90 साल की उम्र नहीं चाहिए हमें इस संसार में, क्योंकि जब 90 साल की उम्र होगी तो आपके सामने 70 साल के आपके बेटे मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, आपकी बहुएं मृत्यु को प्राप्त हो सकती हैं और आपको बहुत वेदना दुख झेलना पड़ेगा, झेला जाता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि बहुत ज्यादा उम्र भी अपने आप में दुखदायी होती है, मगर यौवनावस्था में यदि हम सिद्धाश्रम को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धाश्रम में गमन कर लेते हैं, अपने गुरु के साथ चले जाते हैं, तो फिर वृद्धता आ ही नहीं सकती, फिर मृत्यु नहीं आ सकती, फिर हम अपने आप में निर्भीक निश्चिंता के साथ में 1,000-2,000 साल की आयु भोगते हुए निरंतर उन ऋषियों की छाया तले, उन आशीर्वाद तले बैठ करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि आपकी आयु तो पूर्ण हो, मगर उससे पहले ही आप एक छलांग लगा करके उस सिद्धार्थ में प्रवेश पा सके, तभी गुरु पूर्णिमा की सार्थकता है, तभी मेरी सार्थकता है, तभी आपकी सार्थकता है। आप ऐसा प्राप्त करें, मैं प्रत्येक क्षण प्रत्येक इंच और प्रत्येक स्थिति में मैं आपके साथ में हूं, ना आपको अलग करूंगा ना आपसे अलग हूं, गारंटी के साथ में अलग नहीं रहता। ऐसा क्षण कब आएगा, ऐसा क्षण तब आएगा जब आपकी जीव अपने आप में गुरुमय हो पाएगी, तो आपकी आंख में प्रतिबिंब दिखेगा तो गुरु का दिखेगा। फंक्शन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकदारी के गुरु को लिया निजाए, मैं आंखों की कोठरी में पुतली का पलंग बिछा करके और उसके ऊपर पलकों की चिकदार करके उस पलंग पर आपको बिठा देना चाहता हूं, क्योंकि ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे, मुझे और प्रतिबिंब चाहिए भी नहीं, उन आंखों में कोई दूसरी बिंब नहीं हो, मैं उठू। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो
नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायण नारायण गुरुभ्यो